मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नजीर चौहान को लाहौर के इलाके चुंग से गिरफ्तार कर लिया गया है। नजीर चौहान के खिलाफ थाना जौहर टाउन में मुकदमा दर्ज है। नजीर चौहान पर पीटीआई के रहनुमा खालिद गुजर और शबीर गुजर पर हमले का इल्जाम है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे असरार खान से। जी असरार, बताएगा इस गिरफ्तारी से मुतालिक। जी, ये कार्रवाई लाहौर में पीआईए पुलिस की जानिब से की गई है, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नजीर चौहान को चुंग के इलाके से गिरफ्तार किया है। नजीर चौहान के खिलाफ थाना जौहर टाउन में मुकदमा नंबर 1386/22 दर्ज है, जिसमें नजीर चौहान पर पीटीआई के रहनुमा खालिद गुजर और शबीर गुजर पर हमले का इल्जाम है। वाकया के दौरान फायरिंग से खालिद गुजर का बेटा जख्मी हुआ था। इस मुकदमा में पीटीआई के कारकुनों पर तशद्दुद करने का भी इल्जाम आई है, जिस पर पीआईए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नजीर चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है सर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। मुकदमा दर्ज है नजीर चौहान पर पीटीआई के रहनुमा खालिद गुजर और शबीर गुजर पर हमले का इल्जाम है।